सवलगढ़ में जीवाजी विश्वविद्यालय की बीए बीएससी की परीक्षा चल रही है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज स्टाफ की मनमानी के चलते छात्र छात्राओं को असुविधा हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। कैसे जाती हैं आप परीक्षा देने के लिए? तो आपके साथ कोई साधन नहीं, किसी बैठ के नहीं जाती हैं? तो वहाँ पे आपको क्या परेशानी आ रही है परीक्षा में? क्या परेशानी आ रही है वहाँ पे परीक्षा से? तो लेडीज स्टाफ ना होने से आपको क्या परेशान किया जाता है? कौन जेंट्स करते हैं आपको? जेंट्स स्टाफ की चेकिंग ली जाती है? ठीक है, देखिए आपको परीक्षा में क्या परेशानी आ रही है? सर, बी ए बी एस सी की परीक्षा में छात्राओं को बहुत सी असुविधा हो रही है, क्योंकि जो अपना क्षेत्र है सवलगढ़, वहाँ से सेंटर कुछ किलोमीटर 4-5 किलोमीटर दूर रखा गया है, और उससे परेशानी सबसे बड़ी ये हो रही है कि सड़क पर गड्ढे कीचड़ नहर के पास होने के कारण क्या है कि वो वहाँ से स्कूल निकल नहीं पाते हैं, और नहर के पास होने के कारण उसमें डूबने का खतरा लगा रहता है, और वहाँ पर क्या है सबसे बड़ी बात ये है कि दिक्कत ही आ रही है। सी एस बी गैस फैकल्टी वाला है वहाँ पर। ऐसा बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का ये स्टाफ लगा दिया? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्राइवेट कॉलेज का स्टाफ लगाया है। प्राइवेट कॉलेज का स्टाफ अभी वहाँ पे पता चला था कि प्राइवेट कॉलेज का जो स्टाफ है वो हटा देने की बात की थी, लेकिन वो नहीं हटा पाए हैं प्राइवेट कॉलेज का स्टाफ। टाटपट्टी बैठ के परीक्षा देनी पड़ी? टाटपट्टी बैठ के परीक्षा दी जा रही है, और सर बिल्कुल भी कोई मतलब छात्रों के साथ में अच्छा नहीं किया जा रहा है। बहुत परेशानियाँ होती है, कॉलेज शहर से 3 किलोमीटर दूर है। तो इस परीक्षा सेंटर पर क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या हमको बहुत आती है, प्राइवेट टीचर लगे हुए हैं और हमको परेशान करते हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पे छात्रों को आने जाने के भी अभाव है, क्या है? बहुत खराब कच्ची रास्ता है सर, बहुत परेशानी होती है, हमारे पास साधन है। नहर में भी किसी के गिरने करने की समस्या।